सांपों की अगर बात की जाए तो इस दुनिया में एक से एक खतरनाक सांप पाए जाते हैं, जिनमें कुछ बेहद जहरीले और खतरनाक भी होते हैं और कुछ खतरनाक होने के साथ साथ खूबसूरत भी होते हैं। लेकिन आज मिलने वाले हैं कुछ ऐसे क्यूट सांपों से जो दिखने में सबसे खूबसूरत सांप लगते हैं। तो बस आपको मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, आज इस वीडियो में एक के बाद एक खूबसूरत सांपों से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर एक पर आता है ग्रीन ट्री पाइथन। आपने बहुत सांपों को देखा होगा जो जमीन पर रेंगते हैं, और कई सांप पानी में भी रहते हैं, और कुछ ऐसे सांप होते हैं जो चंदन के पेड़ पर चिपके रहते हैं। लेकिन ये सांप है ग्रीन ट्री पाइथन। इस सांप का ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इन सांपों को हरे पेड़ों पर रहना ज्यादा पसंद होता है, और ये सांप ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इनका पूरा शरीर हरे रंग का होता है और इनको ज्यादातर छोटे जीवों को अपना शिकार बनाना पसंद होता है। इन सांप की लंबाई 4 से 7 फीट तक होती है, और ये सांप दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और इनका हरा रंग इन्हें बाकी सांपों से रेयर बनाता है। इनके शरीर पर हरे रंग के साथ साथ ये सफेद बिंदी भी होती है जो इन्हें दिखने में और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है, और इसी वजह से इन सांप की कीमत 35 से 40 हजार रुपए तक होती है। अब नंबर 2 पर है रेनबो स्नेल। ये सांप वाकई में इंद्रधनुष की तरह दिखता है, और इनके शरीर पर ये इंद्रधनुषी रंग इन्हें दिखने में और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। इन सांपों की एक खास बात और है कि ये सांप खूबसूरत दिखने के साथ साथ बहुत शर्मीले भी होती है, और इनकी ये चीज इन्हें बाकी सांपों से अलग बनाती है, जिसकी वजह से लोग इनकी ओर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। हालांकि इन सांपों से इंसानों के लिए कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि ये सांप इंसानों के लिए जहरीली नहीं होती है। एक्चुअली ये सांप लंबाई में 70 से 122 सेंटीमीटर तक होते हैं, और ये ज्यादातर दक्षिणी मैरीलैंड और पूर्वी वर्जीनिया में पाई जाती है। लेकिन इन सांपों को झीलों और दलदलों जैसी जगहों पर रहना ज्यादा पसंद होता है। अब नंबर 3 पर है इमराल्ड ट्री बोआ। ये भी सांप दिखने में थोड़ा थोड़ा ग्रीन ट्री पाइथन की तरह लगता है, और ये सांप ज्यादातर ब्राजील के जंगलों में पाई जाती है। ये सांप दिखने में तो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सांपों से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सांप भले ही जंगलों में पाई जाती है पर ये इंसानों के लिए खतरा बिल्कुल भी नहीं है। ये सांप बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सांपों से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ब्राजील के जंगलों में पाया जाने वाला ये सांप वजन में 2 से 4 पाउंड तक होता है, और इनकी लंबाई 4 से 6 फीट तक होती है। वैसे ये सांप आपको देखने में कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं। अब नंबर 4 पर है टाइगर कील बैक। ये सांप इतना खूबसूरत होता है कि लोग इसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाती है, और हो भी क्यों ना, ये सांप दिखने में इतना खूबसूरत जो है कि लोग इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके पास आने की गलती कभी मत करना, क्योंकि ये सांप दिखने में जितना खूबसूरत होता है उतना ही जहरीला भी होता है, और इस सांप का जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर ये इंसान को काट ले तो उस इंसान की मौत 24 घंटे के अंदर हो जाती है। वैसे ये सांप चीन, जापान और भी कई देशों में पाई जाती है, और इन सांपों की लंबाई करीब 50 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये थे कुछ खूबसूरत सांप जो दिखने में वाकई में खूबसूरत लगते हैं, और इनमें कुछ सांप खूबसूरत दिखने के साथ साथ जहरीली भी होते हैं, जो इंसानों के लिए खतरे की घंटी होती है, और कई लोग तो इन्हें खूबसूरत समझ के पकड़ भी लेते हैं और फिर बाद में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो अगर आपको इन सांपों के बारे में कुछ कहना है तो मुझे कमेंट में बताएं, और वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही में इस तरह की और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।